महाकारण समक्ष संबोध परम पूज्य बहुत सर बाबा साहब और आज के आयोजक डॉक्टर आई आर सिंह जी उनकी संस्था और मेरे सामने जो बुद्धिजीवी बैठे हैं मंच पर बैठे हैं मेरे पत्रकार बंधु मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। साथियों आज जो सब्जेक्ट है संविधान का है, संविधान में क्या चीज है, क्यों संविधान को हमें फॉलो करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। बड़ी शान से नाम लेकर के तेरा तान तान सीना जिए जा रहे हैं, तेरे नाम की भीम संजीवनी से मुर्दे भी जिंदे किए जा रहे हैं। हम तो मुर्दे थे, अभी बाबा साहब का नाटक चल गया है टीवी पर, जो लोग देखते होंगे क्या पोजिशन है हमारी। हमने जो बाबा साहब की वजह से, तो साथियों बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं दे सकता। बहुत से लोग भगवानों की पूजा करते हैं और हकीकत में जो भगवान के खुद के बंदे हैं, जो रोज मानते हैं भगवान को, उनका भी भगवान साथ नहीं देता। मैं बार बार गाना सुनाऊंगा दो लाइन का। साथियों आज हम जो ये मीटिंग करते हैं, जब बाबा साहब ने हमें सारी जिंदगी 1920 से लेकर 1956 तक एक एक दिन हमारे लिए काम किया, और 1935 में जब उन्होंने एक नासिकों सभा की, उस सभा में एक लेटर लिखा था पहले 1932 में पूरे पैक पहुंचने के बाद, उस पैक्ट में लिखा उन्होंने कि भाई अब भारत में समता आएगी, मैंने पूरा पैक्ट कर दिया है। तो जो हमारे शंकराचार्य थे उनको एक लेटर लिखा बाबा साहब ने कि मैं ये चाहता हूं कि समाज में समता है, तो उसके लिए आप एक सूत्रवर से भी शंकराचार्य बना दीजिए। सन 1932 का लिखा हुआ लेटर सन 1935 में उसका जवाब आया, बाबा साहब नासिक में बोल रहे थे, तब उन्हें बताया कि बाबा साहब आपका एक लेटर आया है जवाब। बाबा साहब ने बैठे मंच में लेटर पढ़ा और लेटर को पढ़ के बड़े दुखी हुए। उसमें लिखा था कि अम्बेडकर अंग्रेजों ने तेरे को पूरा पैक्ट में अधिकार दे दिए है, पर हम तुम्हें शंकराचार्य नहीं बना सकते, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। इस भावना को देख के बाबा साहब ने उसी मंच से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। साथियों हमारे लोग सभी कहते हैं बहुत धर्म को मानते हैं, बहुत धर्म को मानते हैं, पर मैं जब उस हकीकत में देखता हूं तो हकीकत हमारे कथनी करने में फर्क है। बाबा साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करने में फर्क नहीं था। तथागत बुद्ध क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करने में फर्क नहीं था। मानवर काशीराम साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करने में फर्क नहीं था। उन्होंने पूरा जीवन मन से लगाया। आज हमारे मित्र एडवोकेट आई आर साहब ये काम कर रहे हैं, इन्हें कोई और शक्ति नहीं है, इनकी मन की शक्ति है कि मैं बाबा साहब का प्रचार करूंगा, बाबा साहब का प्रचार करूंगा। तो ये साल में 2-3-4 प्रोग्राम करते हैं। तो साथियों यही बात मैं बताना चाहता हूं कि मन में जब तक नहीं आएगा तो मैं मौत बनूंगा। सभी लोग बेचारी महिलाओं को दोष देते हैं, हमारी बहन भी है दोष दे गई कि भाई महिला नहीं मानती है। इस भारत में पुरुष प्रधान देश है, किसी के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, आज जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आपके घर में घरवाले की चलती है, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मेरी घरवाले की चलती है, नहीं कहेगा ना। परंतु जब बहुत धर्म की बात आती है, जब बहुत धर्म की बात आती है तो सीधा साफ निकल जाता है मेरी घरवाली नहीं मानती। अरे मक्कार तू नहीं मानता। साथियों मैंने 1991 में, मैं बौद्ध धर्म में नहीं आया, मैं 2 मिनट की लिखा है, मैंने 1991 में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। बाबा साहब की मूर्ति लगते ही एक तरह से कोहराम मच गया हमारी मंगोलपुरी में, विरोधियों ने हंगामा कर दिया, पार्क घेर ली, इन्होंने जो है ना
और वहां पर झगड़ा हो गया। 3 दिन कर्फ्यू रहा, हम मुझे थाने में बंद कर दिया गया। मेरे साथ करीब 80-90 औरत और आदमी थे साथियों। जब मैं 2 दिन बंद रहा तो बंदे धमवीर और अंसद गए के मेंबर थे, उन्होंने देखा कि मंगोलपुरी में यार झगड़ा हो गया है, बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई है। वो मंगोलपुरी गए, उन्होंने सर्वे किया और वहां से मेरा पता लेके भारतीय बौद्ध महासभा में गए। वहां भारतीय बौद्ध महासभा के हरिचंद जोशी जी जो बहुत बड़े विद्वान है वो अध्यक्ष थे उस वक्त, उनसे कहा कि भाई मंगोलपुरी में एक मूर्ति लगाई थी बुद्ध की और वो तोड़ दी गई और तुम यहां बैठे हो। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और बोर्ड कल पर 1 महीने 1991 में हम बोर्ड कल पर बैठे। साथियों हमने बहुत तरह प्रतीक्षा ली और जब से मैंने संकल्प लिया मेरे हाथ से बाबा साहब की मूर्ति लगी और 1000 गज में मैं दिल्ली में नहीं लगा पाया, मैंने अपने गांव आगरा में 1000 गज में भगवान बुद्ध की मूर्ति पिछली 1 जनवरी को लगा के आया। केवल मन से होता है काम, करने से नहीं होता। हमारे लोग दुनिया की बात करते हैं, जिस दिन तुमने घर को साफ करना शुरू कर दिया, दूसरे के लिए तो काम करना छोड़ दो, जिस दिन तुमने घर को साफ कर दिया, घर में लड़की भी बहुत हो, लड़का भी बहुत हो, तुम्हारी पत्नी भी बहुत हो, तो साथियों इस बौद्ध धर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि भाई मुझे हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ रहा है कि बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे डबो फूल गुलामों में, सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में, इन नफरत भरे शास्त्रों के सारा निचोड़ चढ़ाऊं, बौद्ध धर्म अपनाया हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। साथियों बाबा साहब ने बड़े पीड़ा के साथ कहा और आज कहते हैं कि जीवन भर संघर्ष किया मैंने पत्थर दिल्ली सालों से और जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए छीन के बेई मानव से। साथियों बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसी के बल पे बाबा साहब ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। सन 1920 से लेके सन 1956 एक एक दिन तक उन्होंने हमारी सेवा की और जाते टाइम उनके मन में आया कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरे लोगों तुम बहुत धर्म की दीक्षा ले लो। आज भी किसी के घर में माँ बाप बीमार होता है, मरने की स्थिति में होता है, यदि वो ये कह दे कि बेटे मैं तो रबड़ी खाऊंगा तो चाहे 4 कोस में मिले रात में उसे ला करके देगा। परंतु इतना बड़ा महापुरुष जिसने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, हम उसकी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। इधर मुंह फेर लेते हैं मेरी मम्मी नहीं मानती, इधर मुंह फेर लेते हैं मेरा बेटा नहीं मानता, हकीकत तो है कि तू नहीं मानता। साथियों देखो सब पूजा करते हैं, अच्छा हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा तो वो स्वीकार करता ही नहीं पहले से ही है, परंतु जो उनकी पूजा करते हैं जिनको हम श्रवण लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, रामायण में चौपाई है कि दीन दयाल बिरज संभाई हरो कले तमम संकट भारी। एक बार उस परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो सारे संकट कट जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, अब कहां गए दीन दयाला भक्तन के काट दे जाला, अब कहां गए दीन दयाला भक्तन के काट दे जाला। कैसी कथा सुनाते हैं कि मोर तुझका कुमर चीर कर खुद जिंदा कर दीना था, और रामचंद्र के घर के बढ़ गए एक न जिंदा की नाता, ना तू राम गोड से गांधी मारे तब नहीं क्यों ख्याला, तब कहां गए दीन दयाला पत्थर के काट दे जाला। गांधी तो हैराम कहते हुए बने थे। साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे लोग केवल अंधत्वा में पड़े हुए, ये उनका धंधा है और जिस दिन का धंधा बंद हो जाएगा, आए कहते हैं हर दौलत कुमार जहर से मर गए, मीरा ने जहर पचाया था और द्रौपदी नगी ने होन नहीं दीनी, आय के चीर बढ़ाया था, जब हिंदू ने रोला मुस्लिम लूटे तब कहा गए वो कृपाला, बक्तन के काट दिए जाला तब कहा गए दीन दयाला, बक्तन के काट दिए जाला तब कहा गए दीन दयाला। अजमेर में हालत हुई, हजारों रानी कूद के मर गई, सोने के महल सुदामा के बन गए। एक बार गया था
सोने के महल सुधा हम आके बन गए, नरसी की गाड़ी हाथी थी और अडवाणी को तुझरो जेल में धरी राम की झांकी थी। और बस नहीं चला निकल नहीं पाए, दशरथ के लाला तब कहा गए दीन दयाला, बक्तर के काट दे जाला, तब कहा गए दीन दयाला, बक्तर के काट दे जाला। वसुदेव देवकी कंस भूपने दोनों पकड़े जेल बंद किए, श्री कृष्ण का जन्म हुआ जब फाटक खुले पैर हुआ तो गए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का खुल नहीं पाया ताला, तब कहा गए दीन दयाला, बर्तन के काट दे जाला। अब दो कड़ियां जो आज भी वर्तमान की है, राम रहीम को देखो भाई, जिसके 6 करोड़ भक्त है, 40 आदमियों को मरवा दिया उसने। राम रहीम को देखो भाई, नाम दान दे दर्शन रहो कराई, उपने अपनी शिष्या से अरे रेप कर डाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहा गए वो कृपाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहा गए वो कृपाला। आसाराम बाबू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, ऐसे करके जयराम जी करके फूल डालता था, जो लड़की सुंदर दिखती थी उधर फूल बेचता था, जो उसके कर्मचारी थे उसे वो बाबा से मिला देते स्पेशल। आसाराम बाबू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, उसने 16 साल की बाला से अरे रेप कर डाला, और जेल में पड़े लाला, अब कहा गए दीन दयाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहा गए दीन दयाला। और तो हमारे लिए जानवरों को सुनता है, गज और ग्राहक लड़े जलंधर, गज और ग्राहक लड़े जलंधर, जोवर सूर रही जल ऊपर, तब गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु को आए, प्रभु ने आए गज को मारा, परूना में देखो 4 दल दल की मारो तार दही काला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहा गए दीन दयाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहा गए दीन दयाला। ये दल तो सुधर जाओ, तुम्हारे बुद्ध के रास्ते के बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुंडे और कर्मचारी सब तीनन का खून चूसते हैं, आज वे ईश्वर कहाँ चले गए, जुन सुमरते और पूजते हैं। तेज सिंह बहुत कह या दुनिया में खिंच रही दीनन की काला, अब कहा गए दीन दयाला, बर्तन के काट दे जाला। जय भीम, नमो भगवान।